जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे झारखंड और महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन को लेकर। जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पर चुनाव खत्म हो चुका है और वोटों की गिनती भी खत्म हो चुकी है और रिजल्ट भी आ चुका है, जिस प्रकार से खास करके महाराष्ट्र का रिजल्ट आया है या फिर झारखंड का, आखिर से कौन से कारण थे कि दोबारा हेमंत सरकार, खास करके झारखंड की जनता ने उसको पर भरोसा दिखाया और सरकार बनी, वहीं खास करके महाराष्ट्र में दोबारा बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को वहां की जनता ने पसंद की और दोबारा उसकी सरकार बनाई। इन सभी मुद्दों को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। वीडियो पूरा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों चुनाव का सीजन अब खत्म हो चुका है, अब झारखंड का भी रिजल्ट आ चुका है और महाराष्ट्र का भी रिजल्ट आ चुका है। पर दोस्तों कुछ महीने में पहले जाना चाहता हूँ इस विश्लेषण करने से पहले, कुछ महीने पहले ही इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, जहाँ पर जस्ट उल्टा रिजल्ट आया था, चाहे हम झारखंड की बात कर लें या फिर महाराष्ट्र की, जहाँ पर महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ने पूरी तरह से क्राई शिकस्त दी थी एनडीए गठबंधन को। और वहीं दोस्तों झारखंड की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी ने पूरी तरह से इंडिया गठबंधन को काय शिकस्त दी थी, जहाँ पर 14 सीटों में 8 सीटें बीजेपी लाई थी और 6 सीटें इंडिया गठबंधन। और वहीं दोस्तों अगर महाराष्ट्र की 48 सीटों की बात की जाए तो वहां पर 31 सीटें इंडिया गठबंधन लाई थी और 17 सीटें बीजेपी गठबंधन ने। आखिर ऐसे 5-6 महीने में क्या हुआ कि जनता ने पूरी तरह से दोनों राज्यों में पूरी तरह से अपने मत को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया, और जहाँ पर झारखंड की जनता ने लोकसभा में मोदी को वोट दिया था, वहीं पर जब मुख्यमंत्री चुनने की बात आई तो उन्होंने सीधे तौर पर खास करके जेएमएम को अपना समर्थन दिया, कांग्रेस को अपना समर्थन दिया और खास करके हेमंत सरकार पर भरोसा जताया। वहीं दोस्तों ऐसी क्या बात हुई कि जो जनता महाराष्ट्र की 5-6 महीना पहले लोकसभा में जहां पर उन्होंने खास करके इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दिया था, मोदी को हराने पर अपना वोट दिया था, आखिर 5 महीने में ऐसी कौन सी घटना हुई कि अब उन्होंने पूरी तरह से एक तरफा जीत दिया है एनडीए गठबंधन को और खास करके इसमें बीजेपी की, आखिर बीजेपी की इतनी बड़ी जीत कैसे हो गई। तो दोस्तों इसमें कुछ मुद्दे बहुत है जो कारगर हुए और वो मुद्दे महाराष्ट्र में पर तो चले, पर जब बात आती है झारखंड की तो झारखंड में ये मुद्दे बिल्कुल गौण हो जाते हैं और वो चलते हैं नहीं। दोस्तों महाराष्ट्र में जो मुद्दे पूरी तरह से कारगर साबित हुए वो जो चले वो थे बटेंगे और कटेंगे। दोस्तों यूपी का ये नारा, खास करके यूपी का योगी द्वारा दिया गया नारा पूरी तरह से महाराष्ट्र में कारगर साबित हुआ, और जहां पर पूरी तरह से एक मुश्त वोट बीजेपी खेमे में चला गया और वहीं पर महाविकास आघाड़ी को वोट तितर बितर हो गया, उसको पूरी तरह से जनता ने नकार दिया। और कुछ ऐसे कल्याणकारी योजनाएं थी जो पिछले चुनाव से 3 महीने पहले जो लाए गए, खास करके मैय समाज योजना जिस प्रकार झारखंड में लाया गया था उसी प्रकार खास करके महाराष्ट्र में भी लाडली बहन योजना जो कि 1500 रुपये प्रत्येक महीना हर महिलाओं को दी जाएगी, जिसके बाद से पूरी तरह से दोस्तों खास करके महाराष्ट्र का भी चुनाव पूरी तरह से पलट गया। और इसी प्रकार झारखंड में मैया सम्मान योजना, और मैया सम्मान योजना जिसे ही ये लाया खास करके हेमंत सरकार ने, इसके बाद से झारखंड का पूरी तरह से चुनावी रणनीति भी बदल गया। तो दोस्तों सबसे पहली बात थी कि महाराष्ट्र में एक नारा जो काम किया वो बटेंगे कटेंगे, पर दोस्तों अगर यही बात झारखंड में बात हुई तो झारखंड में ये मुद्दा नहीं चला, क्योंकि इसके पीछे दोस्तों बहुत बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर यह आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ पर आदिवासी संख्या बहुत काफ़ी है, जिस कारण से खास करके सल्थाल परगना के इलाकों में जहाँ पर आदिवासी बहुत ज़्यादा रहते हैं, उन्होंने एक तरफा अपने खास करके नेता के तौर पर चाहे वो हेमंत सोरेन हो या फिर कांग्रेस गठबंधन को चुना। वहीं बात की जाए महाराष्ट्र को तो वहाँ पर बहुत सारे मराठा हो या फिर ओबीसी, उन्होंने पूरी तरह से एक मुश्त वोट खास करके बीजेपी को दिया और कहा कि मैं इसके साथ खड़ा हूँ, और उन्होंने चाहे उद्धव ठाकरे हो या फिर कांग्रेस गठबंधन हो या फिर शरद पवार हो, इसको नकार दिया कि नहीं हम इसको पसंद नहीं करते हैं। झारखंड में जिनका कारण जो था वो था जेएमएम ने जिस प्रकार से अपना चुनाव प्रचार अभियान चाहे आगे बढ़ाया, चाहे वो हेमंत सोरेन हो या फिर कल्पना सोरेन हो, इन्होंने पूरी चुनाव को अपने इर्द गिर्द रखा और कहा कि इस बार हमको दोबारा मुख्यमंत्री बनाना। वहीं खास करके महाराष्ट्र में और हार की बात की जाए खास करके इंडिया गठबंधन को, तो उसके नेताओं को खास करके शीर्ष जो नेता थे उसके अंदर उदासीनता थी, वो प्रचार प्रचार में उतना व्यस्त नहीं थे,
वो बस एक खाना पूर्ति कर रहे थे। सीटों को बंटवारा को लेकर हमें लास्ट तक माथापच्ची चलती रही। और वहीं महायुक्ति जो कि एनए का बंधन, वो पूरी तरह से एकदम एक्टिव मोड में नजर आया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ऐसे कई कारण थे जहां महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी को वोट दिया। और वहीं जब बात कर ली जाए झारखंड की, तो झारखंड जनता ने इस बार दोबारा हेमंत सरकार को वोट दिए। और पिछले 24 सालों का रिकॉर्ड जो कि लगातार एक के बाद एक सरकार जो 5 साल का टर्म पूरा करने के बाद जो बदलती थी, वो पूरी तरह से सिरे से नकारते हुए दोबारा हेमंत सरकार को जिता दिया। तो दोस्तों, ये सब का मुख्य कारण थे जो कि इन दोनों राज्यों में हुआ। और खास करके बीजेपी की महाराष्ट्र में जीत के लिए उसकी लाडली बहन योजना और हेमंत की जीत के मुख्य कारण यहाँ पर मैया समाज योजना कह सकते हैं।